सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के फैसले के बाद राज्य के मदरसों को भी मान्यता मिलने की संभावना है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम मानते हैं कि मदरसा एक्ट पूरी तरह से संविधान के तहत है, इसलिए इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ये जरूर कहा कि मदरसों में उचित सुविधाएं होनी चाहिए और वहां पढ़ाई का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट जिस भावना और नियम के तहत बनाया गया था उसमें कोई खामी नहीं है, इसलिए इसे असंवैधानिक करार देना ठीक नहीं। इस तरह शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया। अदालत ने आगे कहा कि एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। यूपी में करीब 25,000 मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों ने राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता ली है। वहीं करीब 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।